हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से आपको आज नव दुर्गा की ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रा की। और आज है नवमी, आज दुर्गा माता की पूजा, और कई जगहों पे आज तो कन्या पूजन भी है, कल भी हुआ था, आज भी है। और हमारे इधर दशमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो मैं कल ही कन्या पूजन करूंगी। और आज हमारे यहाँ मंदिर में जहाँ मैंने कलश उठाया था वहाँ पे है आज पारायण, भंडारा और हवन, तो मैं जा रही हूँ वहाँ हवन में बेटे को लेके। हार्दिक के पापा तो ऑफिस चले गए, मैं और हार्दिक जाएंगे, और आज वहाँ भंडारा होगा, पारायण होगा, हवन होगा, तो हम हवन वगैरह देखते हैं यहाँ कैसा होता है। हमारे गांव में तो अलग रीति रिवाज है, लेकिन यहाँ अलग रीति रिवाज है। अब कलश उठा रखा है मैंने, तो मुझे शामिल होना पड़ेगा, और मेरा बाकी का सामान मैंने ले लिया है, पूजा का वगैरह, गोला, नारियल, इस तरह से मैं ला गई हूँ, सारा सामान ले आई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ वहाँ हवन में। अब जाने लगे हैं फ्रेंड्स हवन में। पंडित जी, तुम उन पे तो परात है, हवन शुरू हो गया है यहाँ पे। जब थाली में रखी है नीचे सामग्री, और इनको भी आने दो, ये परीक्षित हैं, इनको बराबर में बैठा हुआ है। तुमने उनकी पत्नी को स्थान ले दिया? हाँ, उनको नहीं, बराबर में आओ, तभी तो जोड़ी से तो यज्ञ किया जाता है। पंडित जी, थाली सजाओ सुंदर से। कितने कैमरे थे फोन में? अलका यादव, और यहाँ प्रसाद भी बढ़ गया है। पंडित अलका यादव कर रहे हैं, जिनका कलश रखा है यहाँ पे, और खाली हाथ उनकी कलश उठाए, पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी देते रहे भैया। बस मैंने ले लिया अपना कलश। आज यहाँ भागवत प्रसाद हो गए हैं, पारायण हो गया, अभी भंडारा होगा, हवन भी हो गया है, और अब हम जा रहे हैं घर कलश लेके अपना, घर कलश लेके। अब इसमें से हम नारियल निकालेंगे, और जल को हमें सारे घर में अपने छिड़कना है, और नारियल का प्रसाद बनाना है, इसे मैं रखती हूँ मंदिर में। अब मैं इसका जल छिड़क करती हूँ पूरे घर में, और नारियल फिर मैं अभी प्रसाद बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये नारियल मैंने फोड़ दिया है, अब मैं इसका बनाऊंगी प्रसाद। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्रसाद बना लिया है, और मैं अब बच्चों को देती हूँ प्रसाद। प्रसाद भी मैंने बांट दिया है, और अभी ऑफिस गए हुए हैं भैया लोग, तो वो जब आएंगे रात को उन्हें तब दूंगी, और अभी हम प्रसाद ले लेते हैं, और बाकी के काम अपने कंटिन्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरे हो गए सारे काम, और अभी मैंने आपको बताया था, दिखाया ब्लॉग में कि मैं मंदिर गई थी, आज वहाँ हवन था, तो हवन करा हमने, आज पारायण था, लास्ट दिन था, भंडारा भी हुआ, और काम सारे घर के आके किए, वहाँ से तो थक गए थे, तो वीडियो में नहीं ले पाई, तो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी हमारा खाना वाना हो गया है। हवन में ये हुआ
कि यहाँ के अपने अलग रीति रिवाज हैं और हमारे अपने गांव में अलग। जो मेरे गांव के फ्रेंड्स देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि हमारे गांव में कैसे अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं, तो यहाँ थोड़ा अलग होते हैं। अब ये है कि अपने अपनी जगह के हैं, सबको अपने अपने रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि गलत है। सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, भगवान को पूजने की अपने अपनी वो है, और भगवान जी तो सबकी प्रार्थना में खुश होते हैं, चाहे वो किसी तरह से करी जाए, सच्चे दिल से हो तो वो ज़रूर उसे पूरा करते हैं। अच्छा था, मैंने आंटी लोगों से पूछ के करा अपना हवन का काम पूरा। हार्दिक भी आया हुआ था, हार्दिक ने भी करा, रो भी रहा था बीच में, बट जो करना था वो करा ऐसे ही इसने। तो उसके बाद अब मैं वीडियो को ही एंड करती हूँ। और अच्छा लगा हवन में जाके, खुशी हुई इतने दिनों तक, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा हो रहा था माहौल जाना आना भागवत में। और अभी रात काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मैं ब्लॉग को ही एंड कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको नई सुबह नए ब्लॉग के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी या बुरी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे थोड़ा और ठीक करने का मौका मिले। तो मैं आपको मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय 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 बाय, गुड नाइट, जय माता दी।